हेलो गाइस, खुशहाल यार, यू वाचिंग माय नेक्स्ट एक्टर्स। और गाइस, स्वागत है आपका एक और अनबॉक्सिंग वीडियो में। लास्ट वाले वीडियो में यार इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप सब लोग को पता ही चली गया है कि मैं जो चीज़ है डेडिकेटेडली यहाँ पे अनबॉक्स करता है वो बहुत ही अच्छा एंड यूनिक टाइप का होता है। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास एक और ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है आपके सेटअप के लिए, आपके सेटअप में ऐड करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है। बट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पैकेट में क्या है, ताकि आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के मत जाओ एंड ताकि आपको लगे कि ये वाला जो पैकेट है इसमें एक्चुअल में इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस पैकेट में एक एम्बिलाइट किट जो कि मैंने मंगवाया है एक सेलर से। और अगर आपको एम्बिलाइट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, एम्बिलाइट मैंने DIY बनाने का ट्राई किया था बट मेरे से उतना अच्छे तरीके से हुआ नहीं, या फिर जो कलर्स है वो एक्यूरेटली नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने ये एम्बिलाइट टोटल किट यहाँ पे मंगवा लिया है। और अगर आप अमेजोन में या फिर बैंगलोर में इवन एम्बिलाइट वगैरह सर्च करते हो अमेजोन में, तो यहाँ पे आपको 10,000-15,000 रुपए के नीचे से एम्बिलाइट किट मिलने नहीं वाला है, वो तो छोड़ ही दो। तो अगर आप बैंगलोर से भी मंगवाते हो तो वहाँ से आपको लगभग 2,000-2,500 रुपए तक का कॉस्ट पड़ जाएगा। पहली बात तो वो है 2,000-2,500 रुपए वहाँ पे आप खर्चा करोगे। ऊपर से यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि आप तक वो पहुँचेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी कोरोना का यहाँ पे वक्त चल रहा है। अगर पहुँचता भी है तो 30-40 डेज लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इंडिया में एक सेलर है जो कि एम्बिलाइट किट यहाँ पे बनवा रहे हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन्हीं से मैंने ये वाला किट परचेज किया है। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे, अनबॉक्स करके देखेंगे कि इस पैकेट में क्या क्या मिलता है इस किट के साथ आपको। उसके बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे अपने मॉनिटर में। और मैं आपको बता दूं एम्बिलाइट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है वो वाला वीडियो देख सकते हो। पहली बात तो है, अगर आपके एम्बिलाइट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। एम्बिलाइट जो है आपके मॉनिटर के पीछे लगता है, और आपके मॉनिटर का जो स्क्रीन में जो भी कलर्स होगा, राइट में अगर रेड होता है, लेफ्ट में ब्लू होता है, तो उसी तरीके से आपका जो मॉनिटर का पीछे वाला जो लाइट्स है वो भी यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, जो कि यार देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। एंड अगर आप यहाँ पे मूवीज़ देख रहे हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, अगर आप यहाँ पे गेमिंग कर रहे हो, तो आपका जो लाइट्स है आपके मॉनिटर के पीछे वाला वो उसी तरीके से यहाँ पे चेंज होगा, जो कि यार बहुत ही ड्रामेटिक वाला एक्सपीरियंस यहाँ आपको प्रोवाइड करेगा। एंड इसलिए मैंने ये वाला जो किट है इसको मंगवा लिया है। इसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने PC में। कैसे इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और फाइनली लुक कैसा आएगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो यार वीडियो को पूरा देखना, और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो एम्बिलाइट किट है इसको मैंने 1800 रुपीज़ में ख़रीदा है, ठीक है। और मेरे पास अल्ट्रावाइड मॉनिटर है, तो इसलिए जो सेलर है वो मैंने 50 रुपीज़ ज़्यादा लिया एक एक्स्ट्रा केबल के लिए, दैट इज़ टोटली रीजनेबल। तो मैंने उसको 1850 पे किया। अगर आपके पास 24 इंच वाला मॉनिटर है तो यहाँ पे आपके लिए ये जो एम्बिलाइट किट है ये आपको 1800 रुपये का पड़ेगा। कहाँ से खरीदना है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। और अभी चलो फटाफट से इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है क्या नहीं है और कैसा है ये एम्बिलाइट किट। तो बॉक्स को ओपन करते हैं। वैसे काफ़ी सिंपल सा पैकेजिंग है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सेलर है, अभी अभी मार्केट में आया हुआ है। बट देखते हैं कि इनका जो एम्बिलाइट किट है वो कितना एक्यूरेटली काम करता है एंड कितना अच्छे तरीके से काम करता है। अगर सही होते हैं, मतलब सही तरीके से काम करते हैं, या फिर जो कलर्स है वो यहाँ पर एक्यूरेट आता है, तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो का एंड तक यहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है। और ये हमारा बॉक्स है, तो इसमें हम लोगों का कुछ इस तरीके का पैकेजिंग है। पैकेजिंग यार बहुत ही बेसिक सा है, क्योंकि यार आफ्टर ऑल ये थर्ड पार्टी सेलर है, कोई ऑफिशियल नहीं है। बट स्टिल यहाँ पे अगर आपको एम्बिलाइट किट चाहिए वो भी एक बहुत ही अच्छा खासा, तो भाई इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो के एंड में इनके बारे में बताऊँगा एंड बाकी सारी चीज़ भी बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें आपको दो पैकेट मिलता है, ये नॉर्मल सा पैकेटिंग है। तो इस पैकेट में आपको दो पैकेट मिलता है, एक है ये वाला, और इसमें हमारा मेन कंट्रोलर है, देख सकते हो ये है मेन कंट्रोलर। तो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ पहली बात तो यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो ये है कंट्रोलर, ठीक है। पीछे कुछ ऑरेंज टाइप का वाइब है, और सामने ये वाइट टाइप का टोटल बॉक्स है। ये एक एक्चुअली USB कंट्रोलर के साथ भी आता है, तो भाई इस तरीके से ये लग जाता है। तो देख सकते हो इसके एक साइड में है हमारा ये LED स्ट्रिप लगाने वाला कॉर्ड, जो कि कुछ इस तरीके का आता है, देख सकते हो। ये जेनेरिक वाला LED स्ट्रिप का कॉर्ड है, ठीक है, कुछ इस तरीके का कॉर्ड आता है। और दूसरे साइड में एक USB केबल है जो कि एकदम अनफिनिश्ड है, जो कि यार मैं बोलूँगा कि अच्छे तरीके का यहाँ पे बनाया नहीं गया है, हॉट ग्लू से यहाँ पे ग्लू कर दिया गया है, बट हमको यहाँ पे काम करने से मतलब है। तो इसको मैं खोलने का ट्राई किया था कुछ इस तरीके से, तो ये खुल तो गया बट एक्चुअली में ये हॉट ग्लू किया हुआ था, तो इस तरीके से भेजा है।
बट देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। पहली बात तो वो है जिसको मैंने वापस लगा दिया है, आई होप सही से लग गया होगा। और इसके साथ आपको आई गेस ये 1.5 मीटर का केबल मिलता है, ये USB केबल है और ये हमारा नॉर्ड MCU या फिर जो कंट्रोलर है उसके साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे कंट्रोलर मिल जाता है, इसको आपको आपके PC में लगाना है, ठीक है। और ये जो एंड है इसको आपको आपका LED स्ट्रिप से लगाना है। तो ये तो था हमारा कंट्रोलर, देख सकते हो नॉर्मल कंट्रोलर की तरह है, मतलब कि एक अनफिनिश्ड है बट स्टिल देखते कि काम करता है कि नहीं। ये था हमारा कंट्रोलर। और इसके साथ एक और चीज़ आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या आता है इस पैकेट में है वो चीज़। तो इस पैकेट को भी हम लोग खोल लेते हैं, ठीक है। आई गेस उसमें कुछ ज़्यादा काम करना चाहिए था USB पोर्ट का, ताकि यू नो USB पोर्ट एकदम बाहर रहे, एकदम फिनिशिंग उसका सही रहे, उस तरीके कुछ एक्सपेक्ट किया था। बट यहाँ पे हॉट ग्लो किया हुआ है विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, बट वो आई थिंक बाद में आके इम्प्रूव करेगा। फिलहाल के टाइम में यार ये बीटा स्टेज में है आई गेस, तो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। बाकी यार थोड़ा सा फिनिशिंग पे काम किया होता तो बेटर होता है। तो वो था वो कंट्रोलर। अभी हमको इसके साथ एक LED स्ट्रिप भी मिला है, ठीक है। 60 LED per meter एड्रेसेबल RGB LED स्ट्रिप, जो कि हर एक LEDs को आप जो इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो। और इस LED स्ट्रिप को अगर आप यू नो डेडिकेटेडली अलग से खरीदने जाओगे तो Amazon में ये आपको 2 मीटर का एटलीस्ट यहाँ पे 1000 to 1500 रुपये कॉस्ट करेगा अगर आप इसको अलग से लेने जाओगे। तो इन्होंने जो हम लोगों को 2 मीटर का LED स्ट्रिप दिया है, एड्रेसेबल LED स्ट्रिप, 60 LEDs per meter वाला LED स्ट्रिप है, जिसके एक एंड में हमारा एक USB पोर्ट लगा हुआ है। इसको भी हम लोगों को या तो PC में लगवाना है या फिर कोई पावर बैंक या फिर कोई भी USB पोर्ट में लगाना है पावर देने के लिए। और ये जो पोर्ट है ये हमारा एक्चुअल LED स्ट्रिप का पोर्ट है जो हमारा वो कंट्रोलर में लगेगा, ठीक है। तो बॉक्स में यही दो चीज़ें था, हमारा LED स्ट्रिप और वो कंट्रोलर, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग इस LED स्ट्रिप को अपने मॉनिटर के पीछे लगाते हैं और पीछे लगाने के बाद हम लोग इसको कनेक्शन देंगे। चलो फटाफट से हम लोग ये जो LED स्ट्रिप है उसको हम लोग अपना मॉनिटर के पीछे लगा देते हैं और इसके बाद बाकी सारा सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सो गाइज ये है Day 2 और यहाँ पे देख सकते हो हमने ये जो LED स्ट्रिप है वो कुछ इस तरीके से लगा रखा है। हमने यहाँ पे मॉनिटर का राइट बॉटम साइड से स्टार्ट किया है LED स्ट्रिप को लगाना, ऐसे करके पूरा पूरी यहाँ पे राउंड करके लगा दिया है हमारे मॉनिटर के पीछे ये LED स्ट्रिप, और ये कुछ इस तरीके दिखता है। और यहाँ पे हमने हमारा जो कंट्रोलर है वो भी यहाँ पे चिपका दिया है डबल साइडेड टेप के जरिए। और उसके बाद हमने कनेक्शन वगैरह दे दिया, मतलब कि जो कंट्रोलर का जो USB केबल है उसको हमने PC में लगा दिया और कंट्रोलर का जो अदर एंड है जहाँ पे आपको LED स्ट्रिप लगाने का पड़ता है वो हमने LED स्ट्रिप के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद जो कंट्रोलर का लास्ट वाला जो एक और ब्लैक USB केबल था उसको हमने अपना पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया है ताकि एक्स्ट्रा पावर मिलता रहे। और उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको सेलर बता देता है। तो हमने सेलर ने जो भी कहा है यहाँ पे प्रिज्मैटिक डाउनलोड करने को कहा है तो हमने प्रिज्मैटिक डाउनलोड किया, उसमें क्या क्या सेटिंग करने को कहा है वो सभी चीज़ें हमने कर दिया है। और फाइनल लुक हम लोग को ये मिल रहा है, देख सकते हो हमारे स्क्रीन के पीछे। अगर आप देखो तो यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे ज़्यादा ब्लू है, तो यहाँ पे इस साइड में LEDs जो है ज़्यादा ब्लूज चल रहा है, और अगर आप देखो तो इस साइड में ज़्यादा सा यू नो पिंक या फिर वायलेट कलर का है। तो इस साइड का जो LEDs है वो यहाँ पे वायलेट कलर का देख मतलब चल रहा है, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये तो नॉर्मली डेमो है, लाइक नॉर्मल एक स्टिल पिक्चर है। तो चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो एम्बिलाइट किट है वो लगाने के बाद कैसा लगता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ा है एंड क्या आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं। सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि ये जो एम्बिलाइट किट है या फिर एम्बिलाइट का जो कलर्स है वो एक्चुअल में
ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक्यूरेट है एंड बहुत अच्छा लगता है देखने में। या फिर अगर आप यहाँ पे मूवीज देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो आपके मूवीज या फिर गेम्स के हिसाब से आपका मॉनिटर का जो पीछे वाला जो एलईडी है वो यहाँ पे ग्लो करेगा अलग अलग कलर्स में, तो वो जो है देखने में काफ़ी अच्छा लगता है एंड आपको आपको जो है काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा एक। बट इसके साथ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मुझे लगा है, या फिर मैंने सेलर से बात भी किया था, उन्होंने कहा है कि सिर्फ मेरा ये जो यूनिट है इसके साथ ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लाइट्स है ना, पहली बात तो यहाँ पे ऑन ऑफ नहीं होता है, मतलब कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, तो अगर मैं चाहूँ तो उसको ऑफ भी रख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उसको ऑन भी रख सकते हो। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है वो ऑन ऑफ वाला चीज़, मतलब कि अगर आपका कोई एलईडी जलता है उसके बाद उसको ऑफ भी तो होना है, अगर आप उसमें कोई यहाँ पे कोड नहीं आ रहे हैं तो वो ऑफ नहीं हो रहा है, जो लास्ट कलर रहता है वो यहाँ पे फ्रीज होकर रहता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे अपना पीसी को शट डाउन कर देते हो अभी और आपका मॉनिटर में कुछ इस तरह के कलर्स हैं, ठीक है, तो आपका पीसी शट डाउन होने के बाद भी यही कलर चलता रहेगा। तो ये जो एक बिग इशू है, इसी के वजह से यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बहुत लेटेंसी देखने को मिल रहा है हमारा एक्चुअल यू नो रियल टाइम मतलब व्यू में, मतलब कि जब आप मूवीज़ वगैरह चलाते हो या फिर वीडियोज़ वगैरह चलाते हो तो वो जो ये जो LEDs है ना थोड़ा सा लेटेंसी में जलता है अलग अलग कलर्स में, तो ये इसी की वजह से हो रहा है। प्लस यहाँ पे आपका जो LEDs हैं वो लास्ट कलर यहाँ पे रिमेंबर करके ऐसे फ्रीज हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे हिसाब से ये जो किट है वो यहाँ पे परफेक्ट बन जाता है मेरे हिसाब से, बट ऐसा प्रॉब्लम मेरी यूनिट के साथ हो रहा है। हो सकता है कि मेरा यूनिट में से प्रॉब्लम है, और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अभी सेल किया है, किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे अलग अलग इशूज़ आए हैं बट इन्होंने फिक्स कर दिया है। और सेलर ऐसा भी कहता है कि अगर आपका ये जो किट है वो आपका पीसी के साथ या फिर कुछ किसी भी कारण से यहाँ पे वर्क नहीं करता है तो वो जो आपको फुल रिफंड करेगा, तो ये जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट मैंने भी ये जो एम्बुलेट किट है उसको मैंने DIY बनाया था, सेम टू सेम इसी तरीके से बनता है, सिर्फ वो जो है आपको सेलर जो है आपको एक कंप्लीट किट दे रहे हैं विद LED स्ट्रिप एंड कंट्रोलर का बॉक्स, कंट्रोलर को एक बॉक्स में डाल के दे रहे हैं, वो भी थोड़ा सा अनफिनिश्ड है, और आपसे कॉस्ट करते हैं ओनली 1800 रुपीज़, जहाँ पे आप बाहर से कोई एम्बुलेट किट खरीदने जाओगे तो आपको 10,000-20,000 रुपये पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको 1800 रुपये पे करना पड़ रहा है। जहाँ पे LED स्ट्रिप का अगर आप अलग से लेने जाओगे तो आपको 900 रुपये पड़ जाएगा, अगर आप यहाँ पे Arduino अलग से लेने जाओगे तो आपको 400 रुपये पड़ जाएगा, अगर यहाँ पे जो USB केबल्स हैं दो या फिर एक USB केबल्स हैं उसको आप अलग से परचेस करने जाओगे तो आपको 150-200 रुपये तो पड़ ही जाएगा। तो ये आपको 1800 रुपये में मिल रहा है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्राइसिंग है, बट इनको जो है थोड़ा सा यू नो क्वालिटी में और अच्छा काम करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको एम्बुलेट किट चाहिए तो यहाँ पे आप जो है इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, भाई मेरे को भी एम्बुलेट किट चाहिए। बाकी अगर आपका PC में भी काम नहीं करता है सही तरीके से तो आप जो है सेलर को फुल रिफंड के लिए बोल सकते हो विद प्रूफ, तो वो आपको जो है फुल रिफंड करवा देगा। एंड अगर आप यहाँ पे इस किट को DIY बनवाना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखे है बहुत दिन पहले, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, देख के जो है DIY एम्बुलेट किट बना सकते हो, बट उसमें जो है कलर्स उतना एक्यूरेट नहीं है। तो यार अगर आप बनाना चाहते हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, और अगर आपको इतना ज़्यादा झमेला नहीं चाहिए, आपको एक रेडीमेड प्रोडक्ट चाहिए, तो आप जो है इनसे ये वाला जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो एंड अपने PC में भी इस तरह का कुछ एम्बुलेट यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। दैट वाज माय वीडियो गाइस, होपफुली आपको ये वाला वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिला होगा, और अगर आपको एक्चुअली में ये वाला वीडियो पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम क्वालिटी कंटेंट्स हमारे इस चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।